चिप्स की कटिंग करके रखी हुई है जो कि फिंगर फ्राइज हैं। अब इसको उठाया के स्टील के टब में डाला जा रहा है। ये क्या भाई? ये इसका मसाला। क्या क्या होता है इसमें? इसमें तकरीबन 17-18 मसाले हैं। 17-18 मसाले इनके स्पेशल जो हैं खुद से बनाए गए वो इसमें डाले जाते हैं। और इसमें बेसन है भाई? जी बेसन है और मैदा है। बेसन और मैदा इसमें डाला जाता है और उसके बाद चिप्स की रोलिंग की जा रही है इसके मसाले के अंदर। थोड़ा सा पानी ऐड किया गया है ताकि ये मसाला जो है वो फ्राइज के ऊपर चिपक जाए। भाई कितने से ये काम कर रहे हैं आप? 4-5 साल हो गए। 4 से 5 साल हो गए आप इनको काम करते हुए। काफ़ी स्पीड के साथ इसकी रोलिंग की जा रही है। ये मिक्स हो गए भाई? जी। हाँ जी, फ्राइज़ के ऊपर जो है इसका मसाला जो है वो बिल्कुल लग चुका है। अलमदीना फास्ट फूड गुलफशा कॉलोनी का स्पेशल आपको चिप्स दिखाई जा रही है। इनके विंग्स, इनका शवारमा, इनकी हर आइटम ही बहुत कमाल की है। इसकी आज लाइव मेकिंग आपको दिखाई जाएगी। चिप्स से मसाला लगाने के बाद इसको फ्रायर में डाला जा रहा है। भाई ऑयल कौन सा यूज़ करते हैं? कश्मीर ऑयल है। कश्मीर ऑयल इसमें यूज़ किया जाता है। 178 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रायर का टेम्परेचर जो है सेट कर दिया गया है और फ्राइज जो है इसमें डाल दी गई हैं। यहाँ पे भाई ये कितने टाइम में फ्राई हो जाएंगे? ये इसको 1.5 मिनट देंगे हम हाफ फ्राई के लिए। हाफ फ्राई के लिए 1.5 मिनट के लिए इसको फ्रायर में डाला गया है। 1.5 मिनट के बाद ये हाफ फ्राई हो जाएंगे। फ्राइज को अच्छे से हिलाया जा रहा है ताकि ये आपस में जुड़े ना। 1.5 मिनट टाइम गुजरने के बाद फ्राइज को फ्राइड से निकाला जा रहा है। ये हाफ फ्राई हो चुकी हैं। हाफ फ्राई में भी इसका लुक ऐसे ही आ रहा है जैसे ये फुल फ्राई है, मगर ये फुल फ्राई नहीं है। इसको मज़ीद प्रिपेयर किया जाएगा। जी गाइस, आप देख सकते हैं चिकन जिंगर की बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन की गई है एक ट्रे के अंदर जो कि हाफ फ्राई हुए हुए हैं। और इसको फुल फ्राई किया जाता है कस्टमर की डिमांड के मुताबिक और इसका यूज़ किया जाता है जिंगर शवारमे में या जिंगर बर्गर में। इसके अलावा इनके पास हॉट विंग्स होते हैं जो कि स्पेशल डील पे ये कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं उनकी डिमांड के मुताबिक। 280 में 10 पीस आपको अवेलेबल हैं अलमदीना फास्ट फूड पे। इसके अलावा इनके पास फ्राइज़ होती हैं जो कि 100 रुपये पाव हैं। अलमदीना फास्ट फूड गुलफशा कॉलोनी का स्पेशल चिकन जो है आपके यहाँ का सामने प्रिपेयर हो रहा है जो कि शवारमे की फिलिंग के लिए तैयार किया जाता है कढ़ाई के अंदर। भाई इसमें क्या क्या होता है? नमक, जीरा, धड़ा मिर्च, नमक और ज़ीरा इसके अंदर होता है मौजूद। यहाँ पर इसको पकाया जाता है। भाई कितनी देर पकाते हैं इसको? इसको तकरीबन 1.5 घंटा। 45 मिनट इसको पकाया जाता है और उसके बाद ये प्रिपेयर हो जाता है और इसकी फिलिंग की जाती है शवारमे के अंदर। चिकन को वहाँ पे पकाने के बाद इसको एक दफ़ा फिर से हॉट प्लेट पर डाला गया है और यहाँ पर इसको मज़ीद प्रिपेयर किया जा रहा है बहुत ही खूबसूरती के साथ। चिकन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पक चुका हुआ है। अब इसको थोड़ा सा शैटर्ड किया जा रहा है। चिकन को टकर टकर स्टाइल में काटा जा रहा है ताकि ये बिल्कुल बारीक हो जाए और खाने में आसानी हो। इसकी अब फिलिंग की जाएगी शवारमे के अंदर। सबसे पहले शवारमे की ब्रेड को लिया गया है, इसको हॉट प्लेट पर रखा गया है और हॉट प्लेट पर रखने के बाद इसको गर्म किया जा रहा है। ब्रेड की साइड को चेंज किया जा रहा है। एक साइड इसकी गर्म हो चुकी है, इसके ऊपर ब्राउनिश सा कलर आ चुका है। अब इसकी सेकंड साइड को गर्म किया जा रहा है हॉट प्लेट पे। शवारमे की ब्रेड ली गई है, इस पर मायोनीज लगाई गई है। ये कौन सी सॉस है भाई? स्पाइसी स्पेशल सॉस लगाई जा रही है। इसके अलावा इसमें सैलड डाला जा रहा है, फिर इसमें खीरा डाला गया, उसके बाद इसमें शैटर्ड चिकन डाला गया और एक दफ़ा फिर से इस पर मायोनीज लगाई गई है और बटर पेपर में इसकी रोलिंग की जा रही है। ये बिल्कुल रेडी है। अलमदीना फास्ट फूड का शवारमा बिल्कुल रेडी है जिसकी प्राइस 90 रुपये है। अलमदीना फास्ट फूड के प्लेटर को लगाने के लिए सबसे पहले चिकन ली गई है, उसमें सबसे मायोनीज ऐड करके हॉट प्लेट पर इसे गर्म किया जा रहा है, फुल शैटर किया जा रहा है। उसके बाद इसकी प्रेजेंस में प्लेट में कर दी गई है। थोड़ा सा सैलड है, साथ ये चिली सॉस है। उसके बाद इसमें मायोनीज ऐड किया है इन्होंने। उसके बाद शवारमे के ब्रेड के पीस किए गए हैं और पीसेस करने के बाद इसको प्लेटर में लगा दिया गया है। ये बिल्कुल रेडी है। भाई इसकी प्राइस बता दें। 180 रुपये के अंदर ये अवेलेबल है अलमदीना फास्ट फूड का स्पेशल प्लेटर। इसकी ब्रेड को पहले वाटर पे गर्म किया गया और इस पर मायोनीज डाली जा रही है बहुत ही स्पीड के साथ। उसके बाद मायोनीज को ब्रेड पर फैलाया जा रहा है एक चम्मच के साथ। थोड़ी सी मायोनीज और ऐड की गई है। मायोनीज ऐड करने के बाद इस पर जिंगर के पीसेस रखे जा रहे हैं जो कि काफ़ी हैवी क्वांटिटी में है, काफ़ी लोडेड कर दिया गया है। इसके बाद फिर इस पर मायोनीज डाली। भाई
उसके बाद दोबारा से इस पर थोड़ी सी मायोनेज़ डाली गई है। अब इसमें टमाटो केचप डाली जा रही है। टमाटो केचप डालने के बाद इस पर सैलेड डाला गया। सलाद का पता रख के इसको बंद कर दिया गया। इसकी प्राइस क्या? 170 रुपए के अंदर ये अवेलेबल है अल मदीना फास्ट फूड पर। जिंगर शवरमा लगाने के लिए सबसे पहले ब्रेड ली गई है, उस पर मायोनीज डाली गई है, उसके बाद इस पर स्पाइसी सॉस डाली गई है। स्पाइसी सॉस डालने के बाद इस पर खीरा रखा गया है, उसके बाद फिर से एक दफ़ा मायोनीज डाली गई है और साथ है टमाटो केचप डाली गई है। जिंगर का पीस अंदर रखा गया और जिंगर का पीस के ऊपर थोड़ी सी फिर से मायोनीज डाली गई है और बटर पेपर के अंदर इसकी रोलिंग की जा रही है। अल मदीना फास्ट फूड का जिंगर शवरमा बिल्कुल रेडी है। 120 प्राइस है इसकी। 250 ग्राम चिप्स की प्लेट में प्रेजेंटेशन की जा रही है। इसके बाद इस पर मायोनीज डाली जा रही है बहुत ही खूबसूरती के साथ। अब इस पर टमाटो केचप डाली जा रही है, ग्रीन सॉस डाली जा रही है इस पर और एंड में इस पर सैलेड डाला जा रहा है। क्या ज़बरदस्त का लुक आ रहा है, क्या कलर कम्बिनेशन है, इतनी ज़बरदस्त लग रही है ये। इसको भी लाजमी खाएंगे और टेस्ट करके आपको बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। जी गाइस, ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत मज़ेदार है। फैसलाबाद के इलाके गुलाबशाह कॉलोनी में जब भी आइएगा अल मदीना फास्ट फूड पे लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़ेदार है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।